नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। मायावती ने मांगा भाजपा से हिसाब, खुद को बताया पाक साफ। 104 करोड़ रुपए पार्टी के खाते में जमा कराने के बाद मीडिया के निशाने पर आई बसपा मुखिया मायावती ने मंगलवार को कहा कि हमारे पास एक एक पैसे का हिसाब है। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भगवा पार्टी को नोटबंदी से 10 महीने पहले का हिसाब जनता के सामने रखना चाहिए। मायावती ने कहा कि चुनावी वादा खिलाफी और नोटबंदी के कारण हो रही हार से दुखी केंद्र की भाजपा नीति नरेंद्र मोदी सरकार के लोग प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग कर बसपा और उसके सर्वोच्च नेतृत्व की छवि खराब करने की कोशिश में लगे हैं। उन्होंने कहा कि कल कुछ चैनल और अखबारों के जरिए बसपा द्वारा बैंक में जमा कराई गई धनराशि के बारे में जो खबर आई है, उस बारे में उनका कहना है कि बसपा ने अपने नियमों के मुताबिक ही एकत्र सदस्यता शुल्क को एक नियमित प्रक्रिया के तहत हमेशा की तरह बैंक में जमा कराया है। बसपा अध्यक्ष ने कहा कि बड़े नोटों में सदस्यता शुल्क को रखने से धन लाने ले जाने में आसानी होती है। वह खुद इस धनराशि का हिसाब किताब करती हैं, क्योंकि वह अगस्त, सितंबर और आधे नवंबर तक उत्तर प्रदेश में ही रही। इसी बीच 8 नवंबर को नोटबंदी का ऐलान हो गया। उसके बाद उन्होंने दिल्ली जाकर पूरे देश से आई सदस्यता शुल्क का हिसाब देखा और फिर उस धनराशि को बैंक में जमा कराया। इसमें कुछ भी गलत नहीं किया गया। उल्लेखनीय है कि मायावती और उनके भाई ने यूनियन बैंक की करोल बाग शाखा में भारी भरकम रकम जमा कराई है। मायावती ने कहा कि उनके छोटे भाई आनंद कुमार से मिली जानकारी के मुताबिक उनका कहना है कि उन्होंने भी आयकर के नियमों के अनुरूप ही बैंक में धनराशि जमा कराई है। इसे बवंडर बनाया जा रहा है। इस सब को भाजपा के लोग कुछ अखबारों और चैनलों से ऐसे प्रसारित करा रहे हैं जैसे यह काला धन हो। उन्होंने दावा किया कि उन्हें खास सूत्रों से यह भी जानकारी मिल रही है कि भाजपा बसपा के प्रभावशाली लोगों को शिथिल करने के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर उन्हें परेशान कर सकती है। कुछ को परेशान किया भी जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री ने भाजपा पर पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा और प्रधानमंत्री में थोड़ी सी भी सच्चाई और ईमानदारी है तो वे अपनी पार्टी के 8 नवंबर से पहले के 10 महीनों के दौरान और नोटबंदी के बाद खाते में जमा कराए गए धन तथा खरीदी गई जमीन के बारे में खुलासा करें। मायावती ने कहा कि दलित विरोधी मानसिकता रखने वाली भाजपा और जातिवादी मानसिकता वाले अन्य लोग यह कतई नहीं चाहते हैं कि एक दलित वर्ग की बेटी के हाथों में देश और उत्तर प्रदेश की राजनीतिक सत्ता की मास्टर चाबी आए। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ और प्रमुख हेडलाइंस पर। नरेंद्र मोदी ने देहरादून रैली में कहा, उत्तराखंड को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए भाजपा को जिताएं। सुषमा स्वराज ने कहा, फादर टॉम की रिहाई के लिए सरकार पूरा प्रयास करेगी। दिल्ली के इंदिरा गांधी हवाई अड्डे के रनवे पर आमने सामने आए दो विमान, हादसा टला। चीनी विमान वाहक पो दक्षिण द्वीप प्रांत हेनान की ओर बढ़ा, क्षेत्र में तनाव। कांग्रेस 5 और 8 जनवरी को नोटबंदी के खिलाफ करेगी देशव्यापी प्रदर्शन। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।